स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का फोन था, उसने कहा उसे स्वेतलाना के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, कोई उसे नहीं जानता, ना उसका चाइल्डहुड, स्कूल, कॉलेज, बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं, जैसे उसने सब कुछ मिटा दिया। अगर कोई इंफॉर्मेशन है उसके बारे में तो वो तभी से, जब से उसने ओबेरॉय इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया है बड़े पापा से। कितनी पहुंची हुई चीज है, इसका मतलब अपने गुजरे कल पे पूरा झाड़ू पोछा मार के बाहर निकली है। यू आर राइट अनिका, जितना हमने सोचा था उससे कहीं बड़ा थ्रेट है ये स्वेतलाना। You know what, ये नॉर्मल बिजनेस राइवलरी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो टारगेट मैं होता, स्वेतलाना को यहाँ आकर रहने की जरूरत नहीं होती। अगर उसने इतना बड़ा रिस्क लिया है तो टारगेट सिर्फ मैं नहीं, ये पूरा खानदान है, ओबेरॉय खानदान है, इन सबके पीछे कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। स्वेतलाना जरूर कोई मिशन लेकर यहाँ आई है। लेकिन मैं उसे उसका मिशन पूरा करने नहीं दूंगा। मेरी फैमिली तक पहुंचने से पहले उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। शिवाय सिंह ओबेरॉय मर जाएगा और अपनी फैमिली पर आज तक नहीं आने देगा। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं, मैं भी आपके साथ हूं। आपके दोनों भाई, दोनों बाजू हैं, ओंकार और रुद्र, वो भी आपके साथ। आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर स्वेतलाना का सामना करेंगे और उसे धूल भी चटाएंगे। थैंक यू। ऐसी सिचुएशन में तो मेरे साथ खड़े हो, रियली मीन्स अ लॉट। Shivai baby, Shivai, मुझे actually डॉक्टर के पास जाना था चेकअप के लिए, तो फ्राइडे की अपॉइंटमेंट ले लूं? जब जाना चाहती हो तुम जा सकती हो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? Well, क्योंकि तुम भी मेरे साथ चल रहे हो ना। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं, हमारा बेबी है और इसके नाते तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। शिवाय, ये हमारा पहला बेबी है, कैन यू शो अ लिटिल बिट ऑफ इमोशन एट लीस्ट? रिलैक्स डियर, जस्ट शिवाय प्लीज टेल मी, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? प्लीज शिवाय, यू हैव टू कम विद मी। क्या हुआ टिया, तू क्यों रो रही है? पिंकी मॉम, देखिए ना, मुझे डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए और शिवाय मेरे साथ जाना नहीं चाहता। क्यों? मैं बिजी हूँ। ओ मैं माता, वो तो मुझे दिख ही रहा है तू किस चीज में बिजी है, पर तू फादर्स बनने वाला है शिवाय, और तेरा अपना बच्चा है ये। फालतू लोगों के लिए टाइम है तेरे पास, पर अपने बच्चे के लिए नहीं है। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, तू डॉक्टर के पास जा रहा है टिया के साथ, बस तू इसे टाइम बता, ये तेरे साथ जाएगा। मैं फ्राइडे की अपॉइंटमेंट ले लूं? देख लो जो भी है, व्हाटएवर, आई विल लेट यू। व्हाट यू विल लेट्स नो? हां अभी बता, मैंने बोला ना तू इसके साथ जाएगा। मैंने कहा ना आई लेट नो। आप चलिए, मैं खुद आ जाऊंगी।
यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी होने वाली बीवी से मिलना है। So, how was your day? देखिए, आप फिर से ये सब। एक यहाँ खड़े होकर बात करने से बेहतर है हम गाड़ी में बैठ जाएं। मुझे पता है आप बुरे इंसान नहीं हैं। आपने उस दिन मुझे गुंडों से बचाया, फिर आप फिर से ये सब क्यों कर रहे हैं? आप सिर्फ बुरा होने का दिखावा कर रहे हैं। गलत। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई और टॉर्चर करे, क्योंकि तुम्हें टॉर्चर करने का हक मेरा है। Hey you, सड़क छाप, ज्यादा उड़ो मत। पर तो तुम्हारे निकले हुए। वाओ, इतना एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस सब शिवाय के दम पर, क्योंकि खुद की तो तुम्हारी कोई औकात ही नहीं। औकात की बात तुम ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि अभी अभी शिवाय ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई। ओह प्लीज, अगर तुम इस बात पे इतना इतरा रही हो कि शिवाय मेरे साथ जाना नहीं चाहता था, तो लेट मी टेल यू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर टू मी। डियर, तुम्हारे पेज ढीले हैं क्या, या ऊपर का माला तुम्हारा खाली है? कभी से तुम कहते हो कि शिवाय के होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी तुम्हें हर वक्त शिवाय तुम्हारे साथ चाहिए। तुम्हें जो शिवाय से चाहिए था वो तुम्हें मिल गया ना, फिर तुम क्यों उनके आगे पीछे घूमती रहती हो? तुम्हें अपनी बेइज्जती कराने का बहुत शौक है क्या? कोई और तो तुम्हारी इज्जत करता नहीं है, तो कम से कम तुम तो अपनी इज्जत करना सीख लो। का तुम इज्जत की बात कर रही हो, शिवाय ने डिवोर्स पेपर साइन कर लिए है राइट, फिर भी तुम यहीं पड़ी हुई हो। कहाँ गई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट? मंगलसूत्र, सिंदूर, पति परमेश्वर, इस सब का वास्ता देकर कब तक इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहो? वैसे भी अनिका, शिवाय और तुम्हारे बीच कभी पति पत्नी वाला रिश्ता तो था ही नहीं, और अब तो तुम दोनों ने डिवोर्स पेपर्स भी साइन कर दिए हैं। तो टेल मी अनिका, तुम किस रिश्ते से यहाँ पड़ी हुई हो? जी कुछ रिश्ते कागजों के मोहताज नहीं होते, और ना ही हर रिश्ते को किसी नाम की जरूरत है। मेरा और शिवाय का रिश्ता तुम्हारी तुच्छी सोच और समझ से कहीं ज्यादा ऊपर है। हमारा रिश्ता सच्चाई, ईमानदारी और भरोसे पे टिका हुआ है, जिसे तुम जैसी झूठी मक्कार और चालू चीज समझ ही नहीं सकती। तुम्हारे लिए रिश्ता तो सिर्फ एक लाइसेंस है कुछ करने या कुछ पाने का। तुम सोच भी नहीं सकते कि रिश्ता लेना नहीं देना होता है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें शिवाय से क्या चाहिए, पर मुझे इतना पता है कि मुझे शिवाय से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस शिवाय को खुश देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ उस गुस्से वाले तड़ीबाज शिवाय सिंह ओबरॉय के सीने में भी एक दिल जो हर किसी के लिए धड़कता है, सबके लिए सोचता है। जब इंसान इतना अच्छा हो तो मैं उसके साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकती। इसलिए मैं अभी तक इस घर में हूँ, ताकि मैं शिवाय को तुम जैसी चीपड़ी चुड़ैल से बचा सकूं और तुम्हारा सच सबके सामने ला सकूं, समझी? अफसोस, तुम चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, शिवाय फिर भी तुम्हें नहीं मिलेगा। देखते ही देखते शिवाय मेरा हो जाएगा, and I'm waiting for that day, क्योंकि तुम्हें तड़पता देख कर अनिका मुझे बहुत मजा आएगा। कहाँ ले जा रहे हैं? आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो सोचा आपको एक फिल्म दिखा दूं। मुझे कोई फिल्म नहीं देखनी। अच्छी फिल्म, I hope आपको पसंद आएगी। एक लड़की की कहानी, जिसकी शादी एक ऐसे लड़के के साथ हो जाती है, जो उसे जिंदगी भर टॉर्चर करता है। क्या पता तुम्हें ये कहानी कुछ अपनी सी।
मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा के रहूंगी। तुम्हें ऐसे निकाल के फेंकूंगी जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं। कौन किसको बाहर फेंकेगा इसके बारे में तुम मत ही सोचो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। ये तुम्हारा ही बच्चा है ना, बेशक तुम इसे ढाल बनाकर अभी लड़ रही हो, पर है तो तुम्हारा। तो फिर इस बच्चे के साथ गलत क्यों कर रहे? प्रेग्नेंट औरत को तो खुश रहना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, ताकि बुरे ख्यालों का असर बच्चे पर ना पड़े। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त अपने पति के साथ होना चाहिए? हंसते खेलते अपने पति के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। सजेशन अपने पास रखोगे? जिया, जब मैं सच बोलती हूँ तो तुम्हें इतनी मिचमिची क्यों मचती है? जिया, अपने बच्चे को उसके बाप से दूर मत करो, क्योंकि उसके असली बाप से ज्यादा प्यार उसे कोई नहीं कर सकता। क्यों तुम ये बच्चा शिवाय पे थोप रही हो? ऐसा करके तुम शिवाय के साथ ही गलत नहीं कर रही हो, अपने बच्चे, अपने पति और यहां तक अपने साथ भी गलत कर रही हो। दिया, एक बार सोचना। How dare you? तुम पोती को और मुझे सजेशन देने वाली हाँ? You know what? तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो। I really don't care. ठीक हो? तुम ठीक हो? तुमने प्रियंका को नोटिस किया? मैं रूम में जा रही शायद। नहीं, मैं उसे काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ। काफी परेशान रहती है, ना किसी से घुल मिल के बात करती है, ना अच्छे से मिक्सअप होती है। आई थिंक कुछ है जो उसे परेशान कर रहे। रिंगो, तो ठीक है? हाँ। सुमो को लगता है तू किसी प्रॉब्लम में। ये बहुत जलेगा, ओके सु? गॉट बी ब्रेव, हाँ? ओके, हाथ धो, ठीक से टाइटली पकड़। तो तैयार हो ना? मैं तैयार। जला? अरे लगाएंगे तो जलेगा ना। कमाल है, दवाई मुझे लगनी है लेकिन डर के मारे सिट्टी पिट्टी आपकी गुम हो रही है। चिट्टी पिट्टी क्या होती है? पहली बात है चिट्टी पिट्टी नहीं होता, सिट्टी पिट्टी। हाँ, जो भी है, लिसन, ये अपॉइंटमेंट लगाऊंगा ना तो जलेगा, ओके? सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। कोई बात नहीं, आप लगाइए। नहीं, तुम्हें पता नहीं है, जलेगा जलेगा ही, ओके? फोकस, ओके? फोकस आएगा। मुझे भी फोकस करना। शिवाय आज ही लगाना है? हाँ, करो। लगेगा? हाँ, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। जल्दी आ। हाँ हाँ, अजीब हो, हंस रही हो तुम? ऑइंटमेंट लगा रहा हूँ, जल रहा होगा, तुम हंस कैसे सकती? तो क्या करूँ, चोट मुझे लगी लेकिन दर्द आपको हो रहा है। हाँ तो तुम भी ना एकदम केयरलेस हो, ध्यान नहीं दोगी तो चोट लगेगी ना। ध्यान से रखो हाथों।
अगर कोई प्रॉब्लम है तो तू मुझे बता सकती है। ये हॉट बॉडी मैंने सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बनाई है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक है। सुमो, तूने बहुत टाइम से अपने फेवरेट चिप्स नहीं खाए ना, इसलिए भूख के मारे तुम बहुत स्ट्रेस ले रही हो, ठीक है? खुद भी टेंशन ले रही हो और बाकियों को भी दे रही हो। ध्यान रखना चाहिए ना बेटा, इस हालत में तो एक एक कदम फूंक फूंक के रखना होता है टिया। भगवान ना करे तुझे बच्चे को कुछ हो जाता तो। आप सही कह रही है बिक्की, इसी बात का डर तो मुझे भी है कि मैं गिर जाती और बेबी को कुछ। कहानी मैंने बैठे, चल अब रोना बंद कर, शुक्र मना कि अनहोनी टल गई। मैं तो अपनी सिचुएशन पे रो रही हूँ बिक्की बॉब, मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने वाली थी, मैं इतनी अपसेट हूँ और शिवाय इस वक्त भी अनिका के पास है। पागल हो गया वो लड़का, तू ठहर मैं अभी उसे बुला के लाती हूँ। पिंकी मॉम प्लीज, आपके कहने से वो आ तो जाएगा पर उसका दिल और दिमाग तो अनिका के पास ही रहेगा ना। यू नो पिंकी मॉम, जब से मैंने उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया है ना, वो बदल गया है, मुझसे दूर दूर रहता है। पर इसमें उसकी कोई मिस्टेक नहीं है, गलती तो अनिका की है। वो हर वक्त उसे मेरे अगेंस्ट भड़काती रहती है। I just hope Pinky Mom कि अनिका के चालों का असर शिवाय और मेरे बेबी पे ना पड़े। बात टिया की नहीं थी, टिया के बच्चे की थी। उस मासूम की क्या गलती जो अभी तक इस दुनिया में आया ही ना। तुम और टिया तो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, फिर भी तुम्हें उसके बच्चे की इतनी फिक्र है। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना शिवाय, फिर चाहे वो किसी के भी क्यों ना हो, माँ बाप की गलतियों की सजा बच्चे क्यों भुगते हैं? You're right, अनिका। माँ बाप की गलतियों की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। पर हर बच्चे को माँ और बाप दोनों मिलने चाहिए, क्योंकि बिना माँ बाप के साये के बड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। एक एक सांस के लिए दुनिया से लड़ना पड़ता है। दुनिया में अनाथ होने से बड़ी लानत और कोई भी नहीं है। ये बच्चा इस घर का वारिस है टिया, ओबरॉय खानदान का वारिस। इस बच्चे के साथ मैं कुछ गलत होने ही नहीं दूंगी। पिंकी मॉम, मुझे बहुत डर लग रहा है। I'm really scared. अनिका मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चे को कुछ ना कर दे। ओ माय माता, तू ऐसे क्यों बोल रही है टिया? दुनिया में अकेलेपन से ज्यादा कुछ भी नहीं चुभता जब कोई आपके साथ ना हो। प्यार से आपके सर पे हाथ फेरने वाला ना हो, जब आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तब हर रोज सीने में कुछ टूट सा जाता है। पिंकी बॉब, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो बिल्कुल ध्यान से चल रही थी, पर अचानक से मेरा पैर फिसल गया। घबरा गई कि तब मुझे कुछ सूझा नहीं, पर अब मेरे ध्यान में आ रहा है कि अनिका भी वही थी। अनिका? I'm sure Pinky Bob कि अनिका ने ही कुछ किया होगा ताकि मैं गिर जाऊं और मेरा बेबी। अगर सच में ये सब अनिका का किया धरा है ना, तो इस घर में उस लड़की का आज आखिरी दिन हो। Thank you.
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।